हेलो। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 2.3 अभी बनाएंगे। 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है क्या कि निम्न का मान ज्ञात करें। मान ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? मान। क्वेश्चन है फर्स्ट 1/2 का, 1/2 का, 1/2। बात मैं आपको समझा दूं। देखिए ये का मतलब होता है मल्टीप्लाई। का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई यानी गुना। का मतलब होता है गुना। 1/2 का की जगह पे गुना का चिन्ह दे दो, फिर 1/2 लिख दो। 2 को 2 से गुना कर दो, 2 × 2 = 4, यानी 1/4 फाइनली आंसर आ गया। ये देखिए 1 का फर्स्ट पार्ट हमारा बन चुका है। 1 का फर्स्ट पार्ट हो गया 1/4। 1 का सेकंड पार्ट अब हम लोग बनाएंगे। 1 का सेकंड पार्ट है 2/5। 2/5 का 1/4। का मतलब होता है गुना। का मतलब क्या होता है? गुना। 2/5 लिख दीजिए, का के जगह पे गुना का चिन्ह दीजिए, 1/4। 2 को 1 से गुना कीजिए, 2 × 1 = 2, 5 × 2 = 20। का अब इसे कट कीजिए, 2 के 12 से कट जाएगा, 2 × 2 = 2, 2 × 2 = 20। 1/10 आंसर होगा, 1/10। फाइनली इसका आंसर 1/10 आया। ये फर्स्ट पार्ट बन गया, सेकंड पार्ट बन गया। अब हम जो बनाएंगे थर्ड पार्ट बनाएंगे, इसे आप लिख लीजिए। थर्ड पार्ट अब हम लोग बनाएंगे। अब हम लोग थर्ड पार्ट क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं 5/4 का 1/4। देखिए का जगह पे हम क्या करेंगे? गुना का चिन्ह देंगे, 5/4 × 1/4। अब देखिए 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 4 = 16, 5 × 1 = 5, 5/16 ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारा थर्ड नंबर बन गया। थर्ड नंबर आप लोग लिख लीजिए। अब हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चंस को बनाएंगे। पहले थर्ड नंबर आप लिख लीजिए। तो अब हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चंस को बनाते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है 12/5, 12/5, फिर क्या है का 1/5। अब देखिए का की जगह पर हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे, 12/5 का 1/5। ये देखिए 5 को 5 से गुणा कीजिए, 5 × 2 = 25, 12 × 12 = 12/25। ये हमारा बन गया फोर्थ नंबर। अभी हम फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पर आने जा रहे हैं। 6/4 × 3/8। ये देखिए मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई में हम क्या करते हैं? तिरछा तिरछी काटते हैं। ये तिरछा तिरछी कट जाए तो अच्छी बात, नहीं कटती है सामने सामने वाले को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए 6 है, ये 8 है, 2 के टेबल से कट जाएगा, 2 × 4 = 8 हो जाएगा, 2 × 3 = 6 हो जाएगा। अब देखिए 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अच्छा 3 × 3 = 9, 4 × 4 = 16, 9/16। तो ये हमारा फिफ्थ नंबर बन चुका है। अब हम बनाएंगे सिक्स नंबर क्वेश्चन। सिक्स नंबर ये देखिए 2 × 2/3, का के जगह पे 2/3। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। कौन सा फ्रैक्शन है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाइए। मिक्स्ड फ्रैक्शन को किस में लाइएगा? इम्प्रॉपर मतलब कि ये मिश्रित भिन्न है, इसको साधारण भिन्न में लाना है। कैसे लाएंगे? देखिए इसको इससे गुणा कीजिए, 3 × 2 = 6, 6 में ये 2 जोड़ दीजिए, 6 और 2 कितना होता है 8, 8/3 × 2/3। देखिए क्या करना है, कटेगा तो नहीं तिरछा तिरछी, जब नहीं कटेगा तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? एक दूसरे को गुना करेंगे, 8 × 2 = 16, 3 × 3 = 9,
16/9 हमारा सिक्स नंबर भी बन गया, फिफ्थ नंबर भी बन गया, अब हम सेवेंथ नंबर बनाएंगे। सेवेंथ नंबर हम लोग बना रहे हैं 3/5 गुने 3.4/7 3/5 गुने, ये देखिए इसको इससे गुना कीजिए, 7×3=21, 21×4 कितना होता है 25/7, 7×3=21, 21×4=25, 25/7 होगा। अब देखिए 25 को 3 से गुना कीजिए, 25×3=75, 5×7=35, 5×12 से ऊपर नीचे दोनों कट जाएगा, देखिए कैसे कटता है, 5×7=35 सात बार में कट गया, ये देखिए 5 से कैसे कटेगा, 5×5 यहां बचा 2 और 5×25 बचा 25, यानी फाइनली आंसर आया 15/7, ये हमारा 7 नंबर बन गया। अब हम 8वां नंबर क्वेश्चंस को बनाएंगे, 8th पार्ट मतलब 8th पार्ट होगा, एट नंबर क्वेश्चन हम लोग बनाने जा रहे हैं, एट नंबर 9×7/2, देखिए क्या करना है, 9 को 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसके नीचे देखिए कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, ऐसे ऐसे तो कटेगा नहीं, तिरछा तिरछी नहीं कटेगा, आप क्या कीजिए 9 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, 9×7=63, 202 63/2, उसके बाद हमारा 9th नंबर क्वेश्चन बनेगा, मतलब 9th पार्ट, 9th पार्ट है 5×1/4 मल्टीप्लाई 2/5, 4×20 और 1×21/4 बाई 2। अब देखिए कटने वाला है, ये देखिए ये कट जाएगा, ये कटेगा कैसे कटेगा, 2×2, 2×2=4, 21×1 से मल्टीप्लाई कीजिए 21 हो जाएगा, 5×2 से मल्टीप्लाई कीजिए 5×10, 21/10 ये फाइनली आंसर हो गया। 9th पार्ट भी हम बना लिए, 10th पार्ट बनाएंगे, 10th पार्ट है 7/9 मल्टीप्लाई 6×2/5, याद देखिए 7/9 है, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए 5×6=30, 30 में 2 प्लस कर दीजिए 32/5, कटने वाला कोई नहीं है, आपस में नहीं कटेगा तो हम इस ऐसे स्थिति में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, 32×7 से मल्टीप्लाई कीजिए 7×14=4 carry 1, 7×21=1 22, यानी कि 2×4=9×5=45, ये देखिए ये फाइनली आया मतलब 2×4=45 आंसर। आप चाहो तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में ला सकते हो, मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लाओगे मैं आपको बता दे रहा हूं, यहां पे आप समझना जरा, मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लाना है, 2×4 है, इसको 45 से डिवाइड करो, मिक्स फ्रैक्शन में आ जाएगा, 45 को कितने बार में लेके जाओगे कि इसके नजदीक आ जाए, 45 को 2 टाइम्स में ले जाओगे 90 हो जाएगा, 3 टाइम्स 2×4 5 टाइम्स में देखो तो जरा, 5×25=5 carry 2, 5×20=2, 22 225 हो जाएगा, एक्स्ट्रा हो जा रहा है, 45 को 5 से नहीं लेके जा सकते, 45 को 4 बार में लेके जाओ, 4×5=20 carry 2, 4×16=2 18, यानी 4 बार में हो जाएगा 180, अब बात यहां पे है कि 4 का 4 उतर जाएगा
12 में से दिया 4 हो जाएगा, कैरीज ने दिया, इसके पास क्या बचा, 1 बचा, 1 से 1 यानी 44। ये देखिए ये 4 है, इस 4 को आप क्या कीजिए कि इधर साइड में लिख दीजिए, नीचे 44 है जो कि ऊपर चला जाएगा, ऊपर 45 है जो कि नीचे चला जाएगा। ये हो गया मिक्स फ्रैक्शन में आंसर। आंसर यहाँ पे भी सही है और ये भी सही है, मिक्स फ्रैक्शन में ये है और ये नॉर्मल फ्रैक्शन में है। आपका ये 10th तक मैंने बना दिया, 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 से लेकर 10 पार्ट दिया हुआ है वो सब बन चुका है। अगला जो वीडियो होगा क्वेश्चन नंबर 2 उसमें हम बनाएंगे, 3rd बनाएंगे, ऐसे 1 बाई 1 करके बनाएंगे। तब तक के लिए आपसे हम लेते हैं इजाजत।